ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइस, आज मतलब बाबू का छुट्टी, तो हमने सोचा क्यों ना आज सब घर पे हैं, तो मैं यहाँ पे आज कुछ अलग मतलब स्पेशल बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पराठा और दही भिंडी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज इन्जॉय करना और आप लोग बताना मुझे कमेंट में करके कि क्या आज का मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब ओनियन को अच्छे से भून लेना है, उसके बाद मैंने आलू को अच्छे से मैश करके रख लिया था और इसे अच्छे से मिक्स करके मतलब स्टफिंग करने के लिए मैं पहले से रेडी करके रख दे रही हूँ, ऐसे बाद में बनाना था। तो लगे हाथ सारा काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है साथ साथ ही। और क्या है कि अब घर में बच्चे हैं तो उसे भी तो टाइम देना ज़रूरी है, तो इसलिए किचन में ही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा मतलब आलू हो गया है रेडी। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो, बट यहाँ पे मैंने गोटा ही रखा है और बीच से हल्का सा चीरा लगा दिया है। और यहाँ पे इसे अच्छे से बिल्कुल एकदम फ्राई कर लेना है तेल में, बिल्कुल लाल कर लेना, जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक ये भिंडी को भूनते ही रहना है इसे। और यहाँ पर मैं गूंद ले रही हूँ आटा, आटा बिल्कुल नॉर्मली गूंदूँगी, इसमें कोई डालूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा मतलब ऑयली मला हुआ मेरे घर में पसंद नहीं करते। प्लेन ही आटा में ही स्टफिंग किया हुआ मतलब कुछ भी अच्छा लगता है खाने में। ऐसे पूड़ी भी मेरे घर में अगर बनता भी है तो बिना मला हुआ ही। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा भिंडी का कलर चेंज हो चुका है और मैं इसे अच्छे से निकाल ले रही हूँ। तो गाइस, आई होप आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगेगा, ये दही भिंडी। तो मैं जब किचन में अभी सब्जी बना रही थी, मेरे बेटा भी आके पूछता, मम्मा आप क्या बना रहे हो? मैं बना दही भिंडी, तो बोलते या क्या बना रहे हो आप, मतलब उसे ये सब पसंद नहीं है, बट थोड़ा बहुत कभी काल देती हूँ। बच्चे को अभी से सारा हैबिट देने चाहिए खाने का। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैंने करी पत्ता भी डाला है, मिर्चा, जीरा और उसके बाद प्याज अच्छे से इसे मिक्स। अब प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था कटर में, तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल मेरा प्याज बिल्कुल मतलब परफेक्ट है। और यहाँ पे दही अच्छे से मेल्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे दही आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको कितना मतलब इसमें दही डालना है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी डाल दिया, और बिल्कुल लाइट मसाला सारा डालना है इसमें। आप ज़्यादा मसाला नहीं भी डालोगे फिर भी आपका सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जैसा आप चाहते हो। तो यहाँ पे मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी और यहाँ पे लास्ट में डाल दूँगी दही। और दही को भी आपको तब तक भूनना है ताकि जब तक उसका जो भी पानी हो सूख ना जाए, वो ड्राई ना हो जाए। तो तब तक देख सकते हो मेरा कलर भी चेंज हो चुका है, मतलब इससे पता चल रहा है कि मेरा मसाला है जो भुन चुका है। तो ऐसे तो अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दही वाला भिंडी। ऐसे दही रेसिपी तो आप बहुत इस तरीके से बना सकते हो, है ना। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं ऐसे ये रेसिपी इस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद इसमें डाल दूंगी पानी। पानी भी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्वांटिटी मतलब कम ही रखना है, क्योंकि इसे बस इतना ही डालना है ताकि जो हमारा भिंडी है मसाला अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और ताकि उसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा आए मतलब खिल के। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। तो हमारा सब्जी बस रेडी हो रहा है, और तब तक हम यहाँ पर बना ले रहे हैं आलू पराठा। और मतलब बस आज हमारा यही रेसिपी है गाइस। तो कभी काल क्या होता है ना, कभी काल मतलब कुछ हो जाना चाहिए अलग चटपटा सा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सुबह में ही बना के रख दिया था इसका मसाला, पहले से बना के रख दिया। क्या है कि स्टफिंग करने में आराम इजी रहता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो मेरा बेटा भी आया था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ बोल रहा था कि मतलब आप मम्मा मेरे साथ रूम में चलो। तो मैं कहा कर मैंने बोला कि आप जाओ खेलो, मैं आ रही हूँ, तब तक जल्दी जल्दी मैं रोटी बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ खेलूँगी या जो भी है काम मैं करूँगी।
यहाँ पे मेरा जो भी है लंच बन चुका है, रेडी है। और दूध भले भैया भी आज लेट से ही आए थे तो मैंने लेट से ही चढ़ा रखा है। तब तक मैं मतलब सुबह नाश्ता का बर्तन सब सारे स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और सुबह से तो आज बारिश भी इतनी हो रही थी, मैंने सारे कपड़े अंदर ही डाल रखा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा दही भिंडी सब्जी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा मैंने सोचा था। और यहाँ पे मेरा आलू का पराठा, और थोड़ा सा बस मतलब आलू निकल गया था बट ऐसे परफेक्ट बना था। और चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।